नमस्ते सभी को। तो हिंदी में सत्र शुरू करते हैं। जो अभी अंग्रेजी में चर्चा हो रही थी उसको आगे हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। अभी हम अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखना और मूलतः देखें तो चैतन्य द्वारा जड़ को देखना, जड़ को समझना, इसका काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में शरीर को देखने समझने का काम हम लोग शुरू किया। कुछ प्रस्ताव हमें वर्कशॉप के दौरान मिले हैं, इस पे हम लोगों ने विश्लेषण किया है, चर्चा की है, इसकी बारीकियों को जानने समझने का प्रयास किया है। अब एक शुद्ध दृष्टा की तरह उसको देखने का भी काम कर रहे हैं ताकि ये बात पूरी तरह से दिख जाए, स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए, जीने में आ जाए। तो इसी क्रम में अभी हम लोग मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं को समझने के ही अर्थ में मैं की आवश्यकता को पहचानना, क्रियाओं को पहचानना, उसके रिस्पॉन्स को पहचानना, फिर वैसे ही शरीर की आवश्यकता को पहचानना, क्रियाओं को पहचानना, उसके रिस्पॉन्स को पहचानना, ये काम अभी कर रहे हैं। कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से यदि कहीं का कोई प्रश्न बना हो तो रख सकते हैं। हम लोग आवश्यकताओं को पहचानते हुए ये देख पा रहे थे कि मेरी आवश्यकता सुख है, जैसे सम्मान का भाव, विश्वास का भाव, जो निरंतर है और ये गुणात्मक है, यानी या तो चाहिए तो हर क्षण चाहिए, नहीं तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। इससे ये भी निष्कर्ष निकला था कि जो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए, है ना, जो मेरी आवश्यकता नहीं है, यानी जिसमें निरंतरता नहीं है वो मेरी आवश्यकता भी नहीं है। तो इस बात को कल हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व करते रहे। वैसे शरीर की आवश्यकता को देखें तो सुविधा के रूप में दिखाई देता है, जिसकी आवश्यकता सीमित है, सामयिक है, यानी थोड़े समय के लिए, और ये मात्रात्मक है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि चाहिए तो हर क्षण चाहिए, नहीं तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए, थोड़े समय के लिए चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए, इसको अपने आप में देखना है। वैसे ही अपने को ये भी दिखता है कि मेरी आवश्यकता मेरे स्वयं से ही पूरी होती है, तो मुझमें ज्ञान समाधान होता है, इस ज्ञान समाधान से मेरी स्वयं की आवश्यकता पूरी होती है। तो चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य द्वारा ही पूरी होती है। अगर मैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर की किसी वस्तु पर निर्भर होता हूँ, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो, तो मेरे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, ये बात स्पष्ट होती है। यानी शरीर से मिलने वाली संवेदना या दूसरे से मिलने वाले भाव की अनुकूलता पे जैसे ही मैं सुख के लिए निर्भर होता हूँ, मेरे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ये बात हो सकता है उन्होंने सुनी है, बट इसको और बारीकी से देखना है अपने आप में कि मेरी आवश्यकता स्वयं से ही पूरी होती है, ज्ञान और समाधान से। और ज्ञान और समाधान पे ध्यान देते हैं तो फिर हमको दिखता है कि निरंतरता का अर्थ क्या है। फिर ये जो बाहर भागना है सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, सुविधाओं से सुख पाने के लिए, इसकी आवश्यकता नहीं दिखती। तो सुविधा शरीर के लिए आवश्यक है, जो शरीर की आवश्यकता है वो सुविधाओं से यानी भौतिक रसायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। मेरे समझ और भाव से ये होता है कि सुविधा की आवश्यकता का मैं निश्चयन कर पाता हूँ, क्या चाहिए, कितना चाहिए, ठीक, और उसको सही विधि से प्रयोग कर पाता हूँ। परंतु जो शरीर की आवश्यकता है वो तो भौतिक रसायनिक वस्तुओं से ही पूरी होगी। तो मैं और शरीर की आवश्यकताओं को अलग अलग पहचानने का, सीधा सीधा देखने का काम कर रहे हैं। वैसे ही मैं की क्रियाओं को देखने का तो उन्होंने अभ्यास किया, शरीर की क्रियाओं को भी देख सकते हैं। तो शरीर में दिखे कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो भौतिक रासायनिक है, मुझ में जो क्रियाएं हो रही हैं वो चैतन्य क्रियाएं हैं, जैसे इच्छा होना, विचार होना, आशा होना, ये सब चयन आस्वादन होना, ये सब चैतन्य क्रियाएं हैं। शरीर में देखें तो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं, खाना, चलना, रक्त दौड़ना, भोजन पचना, भूख लगना, और ये सब सामयिक है जो शरीर में हो रहा है, मुझ में दिखाई देगा कि निरंतर है। वैसे रिस्पॉन्स को देखेंगे तो पाएंगे कि मेरे अंदर जो कुछ भी संबंध को पहचानने का काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई मानने की क्रिया होती है। मैं कुछ मानता हूँ उसके आधार पर पहचानता हूँ, एक मानना जरूर उसके आधार में होगा जिसके आधार पहचानना होता है। शरीर में देखेंगे तो पाएंगे इसमें मानने की क्रिया नहीं है, मियरली पहचानना, निर्वाह करना है। मानने जैसी कोई बात
शरीर में नहीं है, मानने जैसी बात मुझ में तो है। तो हम कुछ मानकर ही पहचानते हैं, ये शरीर के साथ जो संबंध को पहचान रहे हैं, कुछ मानकर ही पहचान रहे हैं, दूसरे मनुष्य के साथ संबंध को पहचान रहे हैं, कुछ मानकर ही पहचान रहे हैं, और जानने के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं और इन दोनों वास्तविकताओं को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करते हैं। शरीर को शरीर की तरह देखें, चैतन्य को चैतन्य की तरह देखें, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, 6:45 का समय हुआ है, 6:55 तक हम लोग अभी कोई प्रश्न नहीं लेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे, फिर पुनः हम लोग चर्चा अब शुरू करेंगे। जी जी बढ़िया। तो स्वयं द्वारा स्वयं को देखना हमने अभ्यास किया था, पिछले 1 महीने में हम लोग ये अभ्यास करते रहे। अब स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों वास्तविकताओं को ठीक ठीक देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और जैसे जैसे भी हम लोग अभ्यास 2 के स्टेप 1 से 7 में जाएंगे, तो मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, दोनों का जो सह अस्तित्व है, उस अस्तित्व में शरीर की जो भागीदारी है, मेरी जो भागीदारी है, उनको हम लोग बारीकी से देखने का काम करेंगे। इस 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो, तो रख सकते हैं। सेल्फ टू बॉडी को देख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। हाँ भैया, इसके लिए ही तो अपने को काम करना है, इसके लिए अभ्यास करना है। तो अभी हम लोग जो स्टेप 1 से 7 में जाएंगे, तो दोनों वास्तविकताओं को ठीक ठीक देखने समझने काम करेंगे, इसके लिए अपने को अभ्यास करना है। तो शरीर के होने का पता तो हमें चलता है, ठीक है ना, अपने होने का भी पता चलता है। अब शरीर के होने का पता भी कैसे चलता है, इसको अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सूचना के माध्यम से, शरीर से जो मुझे सूचना आती है उससे पता चलता है, इसको संवेदना कह रहे हैं। और अपने होने का पता हमें कैसे चलता है, अपने अंदर जो क्रियाएं हो रही है उसको देखने के आधार पर। जैसे शरीर मेरे साथ बना हुआ है, कैसे पता लगता है, एक तरीका है कि हमने आंखों से घुमा के देख लिया और उससे पता लगा हाँ शरीर है। अब ये जो आंखों में दृश्य बना और वो मुझ तक पहुंचा, ये भी एक संवेदना है। मैंने आंख बंद करके भी एक हाथ से अपने धड़ को छुआ और देखा कि हाँ शरीर है, तो वहां पे भी देखें तो स्पर्श के माध्यम से हमने निर्णय लिया कि हाँ शरीर है, ये बात हमें समझ में आती कि शरीर है। और सीधा सीधा भी जो अगर हम मैं और शरीर के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, जो सूचना मिल रही है शरीर से, उसको भी ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि शरीर है। बट अल्टीमेटली शरीर के होने का पता हमें शरीर से मिलने वाली सूचना से लगता है, ये बात ठीक है कहना, या कोई और तरीका भी है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कि शरीर के होने का पता मुझे शरीर से मिलने वाली सूचना के आधार पर होता है ना, और कोई विधि नहीं है क्या लगता है? तो शरीर से मुझे सूचना मिल रही है, उसी को संवेदना कह रहे हैं। इसको और आप फैला के देखिए, तो जो भी मुझे स्वाद मिलता है वो एक सूचना है कि नहीं? तो शरीर से जो भी मुझे स्वाद मिलता है वो एक सूचना है। तो शरीर से मुझे सूचना मिलती है, इससे शरीर का होने का मुझे पता चलता है, और मैं शरीर को संकेत देता हूं, वो भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच जो सहसी तो बना हुआ है, वो सूचना के आदान प्रदान पे बना हुआ है। मैं शरीर को सूचना देता हूँ संकेत के रूप में, शरीर से मुझे सूचना मिलती है संवेदना के रूप में,
अब इसको थोड़ा फैला कर देखें तो चैतन्य जड़ के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, जो सहस्तित्व बना हुआ है, उसी प्रकार से तो चैतन्य और जड़ के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। चैतन्य द्वारा जड़ को संकेत दिए जा रहे हैं, उन जड़ की इकाइयों को जो संकेत का ग्रहण करने के सक्षम है, जिनमें संकेत को ग्रहण करने की क्षमता है। जैसे टेबल चेयर को यदि मैं सूचना दूं इस तरह का, तो इस टेबल चेयर में हरकत नहीं होगी, परंतु शरीर को जब मैं सूचना देता हूं तो वहां हरकत होती है। उसमें भी सूचना को देने का एक निश्चित विधि है। तो शरीर का एक भाग है, इसको मेधस कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन के माध्यम से मैं शरीर को सूचना देता हूँ, तो मेरे अंदर जो भी निर्णय होता है वह संकेत देता हूँ मैं ब्रेन को, और फिर ब्रेन से शरीर के बाकी हिस्सों में सूचना प्रसारित होती है, फिर गतिविधियां होती हैं। वैसे शरीर के हर अंग में आप देखें क्रिया हो रही है, यानी कोई ना कोई घटना हो रही है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है, उसको संवेदना भी कह सकते हैं, वो मुझ तक पहुंच रही है। तो संवेदना को हम शरीर में होने वाली क्रिया के रूप में भी देख सकते हैं, या उस क्रिया की जो सूचना मुझे मिल रही है उस रूप में भी देख सकते हैं। तो पता लगेगा अपने को कि शरीर के हर अंग में क्रिया हो ही रही है और उसकी सूचना मुझे मिलती है ब्रेन के माध्यम से, और सूचना को मैं पढ़ता हूँ, उस पढ़ने में भी मेरा निर्णय होता है। वो निर्णय के बाद भी, उस सूचना को पढ़ने के बाद में उसको अर्थ देता हूँ और फिर मैं अपने संकेत को तय करता हूँ। इन सारी बातों को हम लोग विस्तार से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो शरीर से जितने भी मैं हरकतें कर रहा हूँ, जो भी गतिविधियां मैं कर रहा हूँ शरीर के माध्यम से, उसमें न्यूनतम इतना तो हो ही रहा है कि मैं संकेत दे रहा हूँ और शरीर में फिर हरकत हो रही है, और उसके साथ ही दिखाई देगा शरीर में अपने आप भी क्रियाएं चल रही हैं, है ना। तो शरीर के अंग प्रत्यंग एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, ये सतत चल रहा है। मेरे अंदर उसकी स्वीकृति बनी हुई है कि हाँ चलता रहे। अगर उसकी स्वीकृति ना हो, जैसे बुखार हो गया है ना, शरीर का तापमान बढ़ गया, अब शरीर के अंग प्रत्यंग काम तो कर रहे हैं, एक दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक, अब मेरे अंदर स्वीकृति नहीं है, तो मैं तुरंत उसको बदलने के लिए काम करता हूँ। बैठे हुए हैं, पैर झन्ना आ गया, पैर सुन्न हो गया, सूचना मध्यम हो गई वहां से जो आ रही है, तो फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि अब पैर को बदलो, नहीं तो थोड़ी देर में ये जो सूचना आ रही है और तीव्र आएगी, तो अब मुझे इसकी स्वीकृति नहीं है कि इस प्रकार की सूचना है, मैं पैर की स्थिति को बदलता हूँ। अन्यथा देखें तो बहुत सारी गतिविधियां चली रही है शरीर में, उसको चलने की हमारी स्वीकृति बनी रहती है। तो इस प्रकार से शरीर के साथ मेरा सहअस्तित्व बना हुआ है, इसी प्रकार से चैतन्य और जड़ का भी सहअस्तित्व बना हुआ है। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो ये जो मैं और शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान है, उसको अध्ययन करते हुए जड़ और चैतन्य का सहअस्तित्व हमको समझ में आने लगता है। तो जड़ जड़ की तरह दिखाई दे जाए, चैतन्य चैतन्य की तरह दिखाई दे जाए, दोनों के बीच का आदान प्रदान दिखाई दे जाए, यही कुल करने का काम। तो अभ्यास दो के स्टेप वन में मैं के द्वारा मैं और शरीर को देखने का काम कर रहे हैं। शरीर की स्वीकृति के बिना, मतलब सेल्फ की स्वीकृति के बिना, जब शरीर रुग्ण होता है और हम कोमा वाली स्टेट तक पहुंच जाते हैं, और उस स्टेट में किस तरह से चैतन्य का और शरीर के साथ कम्युनिकेशन चलता है वो, और जब हम समाधि को सहज स्वीकृति से समाधि की ओर, मतलब स्वीकार करके और समाधि की ओर चले जाते हैं, उस समय जो कम्युनिकेशन होता है, उन दोनों में कैसे रिलेट करेंगे? जी, देखिए कोमा और समाधि ये तो बिल्कुल ही अलग अलग स्थितियां हैं। तो कोमा को समझ लेते हैं। तो कोमा में क्या हुआ कि शरीर में कोई ऐसा परिवर्तन हो गया कि शरीर के साथ जो सूचना का दान प्रदान है वो मध्यम हो गया, बहुत शिथिल हो गया, बहुत ही मिनिमम हो गया। तो जैसे मैं शरीर को कोई संकेत दूं परंतु शरीर उसके अनुसार हरकत नहीं कर पा रहा है, शरीर से भी जो सूचना मिल रही है मुझे लिमिटेड मिल रही है, तो मेरे अंदर इस बात की स्वीकृति तो नहीं है कि शरीर ऐसी स्थिति में रहे, परंतु इस बात की स्वीकृति जरूर है कि शरीर बना रहे,
तभी तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, नहीं तो नमस्ते करेंगे। अगर लगे कि शरीर का ऐसी स्थिति में आ गया है कि कोई मेरे अनुसार हरकत ही नहीं कर रहा, ठीक, तो उसको नमस्कार करेंगे कि भाई ठीक है, काम पूरा हुआ इसका। परंतु वहां पे जाके हमको लगता है कि नहीं, संभावना है, इसका ब्रेन अभी जो है काम नमस्कार तो बाहर से हम लोग कर सकते हैं उस शरीर को, लेकिन वो शरीर स्वयं को, मतलब सेल्फ शरीर को नमस्ते करके विदा कैसे होगा? वही, वो तो एक निर्णय की बात है। देखिए, किसी पॉइंट पे हम शरीर को छोड़ते ही हैं, जब हमको लगता है कि हाँ, या तो बहुत ही प्रतिकूल संवेदना आ रही है, या शरीर मेरे अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा, ठीक, तो शरीर से हमारी अपेक्षा होती है कम से कम इतना तो करे, वो भी नहीं कर पा रहा जी। वो तो एकोमोडेशन फिर बदलने वाली बात आ गई। यदि चैतन्य है, जी यदि चैतन्य है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक घर से दूसरे घर में जाने वाला निर्णय हो गया। देखिए, अभी तो घर बदलने वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो यही कह रहे हैं कि भाई मैं शरीर साथ बना हुआ हूँ, है ना। जैसे अभी मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो मेरे कान में आवाज आ रही है मोबाइल के माध्यम से, वो फिर मुझ तक पहुंच रही है ब्रेन के माध्यम से, ठीक। फिर चूंकि मैं आपकी भाषा को जानता हूँ, हिंदी भाषा, तो मैं उसके अर्थ दे पा रहा हूँ, फिर उसके अनुसार कल्पनाशीलता में निर्णय ले रहा हूँ, फिर उसका जवाब दे रहा हूँ। अब इन सब में देखें तो ब्रेन का एक सिग्निफिकेंट रोल है। जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो मुंह चल रहा है, मुंह चलाने के लिए ब्रेन का रोल है। तो बेसिकली कोमा में क्या होता है, उसको ब्रेन स्लीप भी कहते हैं, कि जो ब्रेन है अब वो वैसे काम नहीं कर रहा, सूचना का जो आदान प्रदान है बहुत शिथिल हो गया है, हो रहा है बट बहुत, मतलब बहुत शिथिल है, बहुत कम है। अभी जैसे एक्टिव है ब्रेन, वैसे एक्टिव नहीं है। तो वैसी स्थिति में भी चूंकि ब्रेन में एक्टिविटी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ना, ब्रेन अभी भी सूचना को ले तो पा रहा है, भले उसके अनुसार शरीर को चला नहीं पा रहा है, वो शिथिल हो गया, शिथिल हो गया है। हाँ, शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका एक मिनिमम सूचना मुझ तक पहुंच रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि शरीर है, ठीक है ना, भले ही सारी सूचना मुझ तक नहीं पहुंच रही। तो एक आशा बनी रहती है कि शरीर चल जाएगा, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद चलेगा, कुछ साल बाद चलेगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 12-12 साल तक कोमा में रहे हैं, है ना, फिर शरीर चलने लगा है, जी हाँ जी हाँ, हम तक आती है तो एक आशा बनी रहती है कि हाँ शरीर चल जाएगा। परंतु वहां पे यदि आशा न रहे तो आप पाएंगे कुछ लोग हैं ब्रेन, मतलब कोमा में गए 12 साल तक बने रहे, उसके बाद वापस एक्टिव हो गए। कुछ लोग हैं जो 2 दिन में ही कोमा में गए और शरीर छूट गया। तो एक तो शरीर में बहुत ही ऐसी स्थिति हो सकती है कि शरीर चलाने लायक नहीं रहा, और ये भी हो सकता है कि हमने जो अपेक्षा रखी है शरीर से वो अगर एक सीमा तक पूरा नहीं होता तो हम अपने आप में निर्णय ले लेते हैं कि भाई ठीक है, ये अब काम नहीं आएगा, तो आगे जो शरीर को चलाने का प्रयास करना है वो रोक देते हैं। तो जब शरीर को चलाने का प्रयास हमने रोक दिया तो उसके थोड़े समय बाद शरीर भी बिगड़ने लगा, स्थिति बिगड़ गई, हम, है ना, शरीर से हम अलग हो गए, उसी को डेथ नाम दे दिया। अच्छा, वो और समाधि जो है सहज स्वीकृति वाली अवस्था है, उसमें हम स्वयं जाना स्वीकार करते हैं और निर्णय भी ये लेते हैं कि जाना है या। रुकिए रुकिए, समाधि में शरीर के स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं है, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, ब्रेन पूरी तरह से स्वस्थ है, कोमा में शरीर अस्वस्थ हो गया है, ब्रेन अस्वस्थ हो गया है। समाधि में यह है कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, बट मुझे ये पता लग रहा है कि ये शरीर से मिलने वाली सूचना मेरे निरंतर सुख का आधार नहीं हो सकती, तो मैं उसको सुख से जोड़कर नहीं देख रहा हूँ, ठीक, और निरंतर सुख का जो आधार है उसको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शरीर से जो सूचना का आदान प्रदान है उसको मैंने बहुत ही कम कर दिया निर्णय पूर्वक, कि अभी इधर ध्यान नहीं देना है, सीधे शून्य पे ध्यान देना है, सहअस्तित्व पे ध्यान देना है, नित्य वर्तमानता पे ध्यान देना है। तो शरीर पूर्णतया स्वस्थ है, शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है, परंतु मैंने निर्णय लिया कि अब यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, न शरीर को कोई संकेत देना है, न शरीर से मुझे कोई सूचना लेनी है, ठीक, शरीर में हो रहा अच्छी बात है, शरीर को हमने स्थिति में रख दिया, बना हुआ है, ठीक। अब मैं ऐसी चीजें जिसपे मैं समान रूप से ध्यान नहीं दे पा रहा था, शून्य सहअस्तित्व नित्य वर्तमानता, उस पर ध्यान ले जा रहा हूँ, तो वहां ध्यान दे रहा हूँ। उस स्थिति में फिर उसकी भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती हैं, मोर और लेस देखें तो अनुभव तक पहुंचने के लिए जो हम अभी प्रयास कर रहे हैं उस क्रम में हमारी स्थितियां बनती हैं, अनुभव जिस क्षण में घटित होता है वहां भी एक स्थिति बनती है,
उसके पहले जो प्रयास है उसको भी समाधि कहते हैं, जो अनुभव की स्थिति में होता है उसको भी समाधि कहते हैं। और वैसे देखें तो मतलब समाधान की उपलब्धि हो जाना, यही समाधि है। वो तो अल्टीमेट अनुभव रियलाइजेशन तो वो प्रयास होता ही है जी। तो एक बार हमारे अंदर अनुभव क्रिया घटित हो जाए तो उसके आधार पर हमारे स्वयं में सारी क्रियाएं व्यवस्थित होने लगती हैं, पूर्ण होने लगती हैं। तो एक समाधि की स्थिति है जो बनी रहती है, अगर उस रूप में देखें समाधान की उपलब्धि बनी रहती है। परंतु कोमा और समाधि इन दोनों में तो बहुत अंतर है ना, ये सारा अंतर है। शरीर के श्वास को देखें तो अंतर है, मेरे निर्णय को देखें तो अंतर है, ऐसा है। तो दोनों का तो कोई आपस में मेल ही नहीं है। तो अभ्यास दो का अब हम लोग स्टेप वन से अध्ययन थोड़ा शुरू करते हैं। तो मैं के द्वारा मैं को और शरीर को देखना, तो मैं हूं, ठीक, क्या हूं उसको थोड़ा देखने का प्रयास किया था, मैं चैतन्य हूं। अब ये मैं हूं ये पता कैसे लग रहा है, मैं की क्रियाओं को देखने के आधार पर। शरीर है, शरीर के होने का पता कैसे चल रहा है, मैं द्वारा शरीर में होने वाली या हो रही संवेदना को देखने के आधार पर। ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इनको देखना है। कि नहीं, तो मैं हूं और शरीर है, ये दोनों ही है। अब अभी आप देखें तो हम मैं शब्द का प्रयोग तो करते रहते हैं, परंतु मैं है क्या ये हमको बहुत स्पष्ट नहीं होता। तो मैं शरीर की कोई क्रिया हूं, शरीर का ही कोई भाग हूं, अंश हूं, है ना, शरीर का ही कोई प्रभाव है जिसको मैं कह के संबोधित कर रहा हूं। क्या है तो मैं हूं, इसको किस रूप में देखें, कैसे देखें। शरीर है इसको तो हमने बात किया कि शरीर से मिलने वाली सूचना के आधार पर मैं इस बात को तय करता हूँ शरीर है, बट मुख्य मुद्दा तो मैं का है। तो मैं शरीर से भिन्न कोई इकाई हूं या शरीर की कोई विशेष क्रिया हूं, शरीर का कोई भाग हूं, क्या है ये ब्रेन जिसको कह रहे हैं वो मैं ही हूं या मैं ब्रेन से कुछ अलग इकाई हूं। तो फिर मैं कहाँ हूं, क्या हूं, मैं शरीर के साथ हूं तो कहाँ हूं, ये सारी चीजों को देखना बनेगा। तो स्टेप वन में जितनी बात कह रहे हैं कि मैं हूं, ये बात हमको स्पष्ट हो जाए, इस बात की हमारे अंदर स्वीकृति हो जाए। परंतु मैं क्या हूं इसको तो देखना समझना बनता है, शरीर क्या है इसको देखना समझना बनता है। ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं या एक ही बात है, क्या लगता है? और यदि ये अलग अलग वास्तविकताएं हैं तो इसके अलग अलग होने का पता कैसे लगेगा, कैसे तय होगा कि दोनों अलग अलग हैं? आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे तो हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसका होने का पता हमें कैसे लगता है? एक ही वास्तविकता की दो क्रियाएं हैं या दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखना है। अभी हम लोगों ने अभ्यास एक में भी जो अपने आप को देखने का काम किया, भाव को देख रहे थे, विचार को देख रहे थे, अपने निर्णयों को देख रहे थे, वो मुझ में हो रहा है या शरीर के किसी अंग में हो रहा है, ये कैसे तय होगा? क्या लगता है, बताइए कैसे तय होगा कि दोनों अलग अलग वास्तविकता है? तो अभी तो हम हो सकता है मानने से शुरू करें कि दोनों अलग अलग वास्तविकता है, इसको सीधे सीधे देखने का भी काम कर सकते हैं, वैसे तो इसी स्टेप में कर सकते हैं। बट ये अलग अलग वास्तविकता है कि नहीं है, इस निष्कर्ष पे आने में तो कुछ मूलभूत ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जी, संवेदना से तो हमें शरीर के होने का पता लगता है, इसमें एक संभावना ये भी है कि शरीर को भिन्न से, शरीर से भिन्न एक इकाई के रूप में देखा जाए। तो आप देखेंगे कि शरीर एक जड़ इकाई है, एक स्थान पर बना हुआ है,
मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, भले उसी स्थान पर बना हुआ हूँ बट शरीर का हिस्सा तो हूँ नहीं, तो मैं शरीर से थोड़ा सा अलग होकर भी देखने का प्रयास कर सकता हूँ ना, शरीर से अपनी दूरी को घटा बढ़ा के देखने का प्रयास कर सकता हूँ। इस काम को हम लोग करते चले, स्टेप वन में तो पूरे काम को हम पूरा कर पाएंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, परंतु दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखना तो बनता है। जी रेवती जी, मैं एक प्रकार सोच रही थी, आप करेक्ट कीजिएगा, कि ये दोनों भिन्न वास्तविकता है, और ये इसके वजह से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, जैसे हमें भूख लगती है ना, तो भूख लगने के बाद में वो तो शरीर की संवेदना हो गई है ना, तो वो शरीर से आई तो शरीर दिखाई दे रहा है वहां पे, लेकिन वो उसी वक्त खाना खाना है या नहीं, ये जो डिसीजन है वो कोई और ले रहा है। जैसे अगर 12 साढ़े 12 बजे का लंच ब्रेक है, उस वक्त खाना है, तो उस वक्त अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आता है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बावजूद इसके हम लोग बाद में खाना खा लेते हैं, तो ये दो अलग अलग बातें हो गई, इस तरह से देखा जाए तो ठीक रहेगा। नहीं दीदी, इससे तो बात पूरी नहीं पड़ेगी, वो तो हो सकता है शरीर के किसी एक हिस्से में निर्णय हुआ कि पहले भूख की संवेदना थी उस पे ध्यान दिया, अब मोबाइल बजा उस पे ध्यान दिया, इससे तो ये तय नहीं होता कि मैं और शरीर अलग है। हाँ। ये हो सकता है निर्णय शरीर के किसी हिस्से में हो रहा है, ये विचार किसी हिस्से में ही चल रहा है, शरीर के किसी हिस्से में ही चल रहा है, भाव किसी हिस्से में ही चल रहा है, कई बार तो बोलते भी है हृदय में भाव है, तो हो सकता है कि हृदय में भाव हो रहा है, ब्रेन में विचार चल रहा है कि नहीं। अभी हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं तो ब्रेन थकने लगता है, द्रवित होते हैं किसी घटना को देखकर, भावुक होते हैं तो हृदय पे जोर पड़ता है, तो ये सब शरीर में ही हो रहा है या शरीर से बाहर कहीं हो रहा है, ये कैसे तय होगा? जी भाई, ठीक है जी, इसको हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व करें कि कैसे होगा, है ना। इनफैक्ट ये जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है, इसको लगातार देखने का अभ्यास भी कई सारी पद्धतियों में किया गया है, जैसे विपश्यना एक पद्धति है, उसमें देखें तो शरीर से जो मिलने वाली सूचना है उसको ही बारीकी से देखने का काम करते हैं, तो ये काफी समय तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करके ध्यान हटा लेना है, पूरे समय कर पाएंगे तो उसकी और जो गहराई में देखने वाली चीजें हैं वो दिखाई देंगी। राहुल जी का बॉडी रिस्पॉन्स इज डिफरेंट इन एग्जैक्टली सेम सिचुएशन एज पर फीलिंग और मीनिंग वी आर गिविंग टू दैट सिचुएशन, सो वी कैन से नहीं, अभी तो इससे नहीं कह पाएंगे, इससे डिफरेंट रियलिटी है, इसको ओपन रखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते रहिए कि शरीर और मैं ये दो अलग अलग इकाइयां हैं, ये कैसे पता चलेगा। आज के असाइनमेंट यही रहेगा कि मैं और शरीर इन दोनों को अलग अलग देखने का अभ्यास करना है।